के दौरान रेवाड़ी के शेल्टर होम में ठहरे लोगों की फरियाद सुन ली गई है। मीडिया द्वारा खबर दिखाने के बाद बाहरी राज्यों ने ना सही अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में रह रहे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। दरअसल बीते दिनों मीडिया द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। डॉक्टर साहब, अभी ये कुछ लोगों को प्रवासी लोग जो बताए जा रहे हैं, छुड़वाए जा रहे हैं इनको बसों के द्वारा, क्या कहेंगे इसमें? इसमें ऐसा है, जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उस निर्देशानुसार जो लोग सस्पेक्टेड थे और जिनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो चुका है उनको उनके जो रेजिडेंस है उसके अनुसार छोड़ा जा रहा है। तो क्या ये सभी जो हरियाणा के भीतर के हैं या बाहर राज्यों के भी लोग हैं? नहीं, ये विद इन रीजन, हरियाणा रीजन के हैं। कितने ऐसे लोगों को आज छुड़वाया जा रहा है? आज 13 है जी। कितनी बसें लगाई गई हैं इसके लिए? आज 2 बसें हैं और एक अलग से एक गाड़ी छोटी। क्या जो बाहर राज्यों के जो लोग ठहरे हैं उनको छुड़वाने की भी कोई व्यवस्था, आदेश, निर्देश मिले हैं सरकार की तरफ से? जैसे ही जो डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आएगी उसी का अनुसार उसकी कंप्लायंस करें। फिलहाल आसपास के जिलों के लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है जी। तो ये माननीय चीफ सेक्रेटरी जी के आदेश है कि जो हरियाणा के विदिन हरियाणा में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग पैक हुए बैठे हैं, जो घर बेघर हुए बैठे हैं, उनके लिए सरकार की ये सोच है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से चले जाएं और उस डिस्ट्रिक्ट के जो इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले वो आ जाए। तो इसलिए हम कुछ भेज रहे हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आज हमने सेलेक्ट करी हैं। रेवाड़ी 7वीं है, कुछ झज्जर के हैं, कुछ महेंद्रगढ़ जिले के हैं, कुछ चरखी दादरी के हैं, सोनीपत के भी हैं, मेवात के भी हैं। इनका हाँ चेकअप किया है हमने और ये वैसे फिजिकली मतलब ट्रैवल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल कर सकते हैं। सभी ने खाना खा रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खाना खा कर अगर 2-3 घंटे का सफर कर सकते हैं सफर। जैसे भी यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या ये सारे यहीं के हैं या दूर दराज के अन्य राज्यों के हैं? ये तो सभी जगह के, आपको सबको मालूम ही है। तो दूसरे नहीं, तो ये 6 हरियाणा के थे सिर्फ? ये सिर्फ हरियाणा। तो जो लोग चल जिस तरीके से प्रदेश के दूसरे प्रदेश के जो लोग ठहरे हुए थे उनको पहले जिस तरह 100 गाड़ियों में छुड़वाया गया, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था या निर्देश सरकार की? ये बात है, इसका जवाब मेरे लेवल पर नहीं है। अभी कोई निर्देश मिले हैं इस तरह के? प्रशासन का मामला है, प्रशासन प्रशासन।